जिले में आज अहले सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुई, जिसमें एक यात्री बस एवं ट्रक में सीधी भिड़ंत में दो यात्रियों की मौत हो गई तथा करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि पंजाब के जालंधर से यात्रियों से भरी बस बंगाल के लिए चली थी। आज सुबह जैसे ही बस बरौली के NH 28 प्यारेपुर के पास पहुंची कि एक बड़ी ट्रक से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बस में यात्रा कर रहे दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरौली थाने की पुलिस ने एम्बुलेंस एवं निजी वाहन से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। हम लोग जालंधर से बंगाल जा रहे थे। प्यारेपुर में हम लोगों का एक बस से और ट्रक से हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक खलासी की डेथ हो गई। साथ में हम लोग जैसे तैसे वहाँ से आए। साथ में मैं अपने भाई को भी लेकर आया हॉस्पिटल में, और यहाँ पे हॉस्पिटल में लाने के बाद मेरे भाई को उन लोगों ने इंजेक्शन लगवाया, दो इंजेक्शन दिए इन्होंने और पट्टी वट्टी की। फिर मैं इनके पास गया तो बोला ऑक्सीजन देना पड़ेगा भाई को। फिर मैंने ऑक्सीजन दिया। फिर ऑक्सीजन लगवाने के बाद भी मेरा भाई नहीं बच पाया। कितने लोग घायल हैं? अभी हम लोग 18 लोग घायल हैं यहाँ पे। सब लोग तो की डेथ हो चुकी है, बाकी लोग घायल हैं। किसी का कमर टूट गया। जालंधर से बंगाल जा रहा था क्या करने के लिए? हम जालंधर में काम कर रहे थे और घर जा रहे थे अपने। बुक किया हुआ था? हाँ, बुक किया हुआ था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रजा है।